फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताऊंगी कि क्या आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, क्या आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। कोई भी हो सकता है, वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका लवर हो सकता है। आप बहुत टाइम से सिंगल रह के परेशान हो गए हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको अब सिंगल कितना रहना पड़ेगा, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है या नहीं आने वाला है, कितने टाइम में क्या चांसेस हैं, कितने टाइम में कोई आएगा, कोई आपका आपको बहुत प्यार करने वाला आएगा आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है वो। और ये रीडिंग सबके लिए जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ये प्रिडिक्शन मैं बताऊँगी क्रिस्टल बॉल गेजिंग के थ्रू। क्रिस्टल बॉल बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। आपने सुना होगा इसके बारे में, क्रिस्टल बॉल एंशियंट टाइम से यूज़ की जा रही है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो भी हम सवाल पूछते हैं क्रिस्टल बॉल से, उसके अंदर से जो एनर्जीज निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमारे इस सवाल का जवाब क्या है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है और इसकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने नाम का अल्फ़ाबेट आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चेक करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या कोई आने वाला है, कोई पुराना फ्रेंड आएगा या कोई नया फ्रेंड आएगा या कौन आएगा। तो चलिए चेक करते हैं क्रिस्टल बॉल के थ्रू। गाइज, यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, आपका एक्स भी हो सकता है। इनफैक्ट एक्स के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपकी लाइफ में। वापस आने वाले हैं आपके एक्स, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ वाइब्स मिल रही हैं, जो मुझे यहाँ एनर्जीज मिल रही हैं, आपके जो एक्स लवर रह चुके हैं, जो आपके आपके साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने आपको छोड़ा, किसी भी रीज़न से आपसे दूर गए, आपको ब्लॉक किया। हो सकता है अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा हो, या हो सकता है अब नहीं ब्लॉक किया हुआ हो, लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और यहाँ जो मुझे दिख रहा है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कांटेक्ट किया जाए, कॉल किया जाए डायरेक्टली आपको, या मैसेज किया जाए, या किसी के थ्रू आपसे बातचीत शुरू की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मिल रही हैं कि वो वापस आने के लिए, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तड़प रहे हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं जो भी गलतियां हुई उनसे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच में, दूर करना चाहते हैं। और ओल्ड फ्रेंड की यहाँ ज़्यादा वाइब्स मुझे मिल रहे हैं, कोई पुराना फ्रेंड जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो, आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं बहुत जल्दी, आपसे बात करना चाहते हैं, सोचते हैं कि कैसे बात करें, थोड़े से डरे भी हुए हैं कि कहीं आप अब उन्हें एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बातचीत बंद हुए। और जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी का सपोर्ट चाहते हैं, कि कोई उन्हें सपोर्ट करे आपसे बात दोबारा शुरू करने के लिए, किसी का सपोर्ट मिल जाए, कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, किसी से कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि दोबारा आपसे बातचीत शुरू हो जाए। और उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार था वो सच्चा था, आपकी तरफ से बिल्कुल सच्चा प्यार था, आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जो भी कमियां थी उनकी तरफ से थी, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी को लेके हो, चाहे वो अपने करियर को लेके हो, या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ भी हो, आपकी तरफ से कमी नहीं थी, कमी उनकी तरफ से ही थी। और वो ये अब बात समझ चुके हैं, रियलाइज़ हो रहा है उनको कि कैसे
उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की और अब कैसे आपसे माफ़ी मांगे, आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, इस बात से भी डरे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, भूल नहीं पा रहे हैं, और यही चीज़ है जो उन्हें आपके पास आने के लिए मजबूर कर रही है। फैमिली से भी बात करेंगे आपके लिए, ये भी यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रही है कि फैमिली से बात करेंगे बहुत जल्दी आपके लिए, कि आपको वो छोड़ नहीं पा रहे और आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बहुत सीरियस हैं आपको लेके, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे सुधारना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है बिल्कुल, और हो सकता है इस बार अगर बात करेंगे तो डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज़ कर देंगे, और अब उनके माइंड में यही है कि अब कोई गलती नहीं करेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, प्लान कर रहे हैं कि कैसे बात दोबारा शुरू की जाए और स्मूथली बात हो जाए, आपकी तरफ से भी ज़्यादा कोई गुस्सा ना हो। ये चीज़ें यहाँ, ये वाइब्रेशंस मुझे दिख रही है और थोड़ी सी मुझे एनर्जीज, थोड़ी सी वाइब्रेशंस न्यू पर्सन की भी मिल रही है कि कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, शायद आ भी गया हो, आपने नहीं ध्यान दिया हो, कोई आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आ गया हो या कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जिसने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया है लेकिन आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है और बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाला है। न्यू पर्सन हो सकता है ये, और आप भी उनसे बात करते हो लेकिन आप सिर्फ एज अ फ्रेंड बात करते हो, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है लेकिन उनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेके, और वो आपको, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो ये बहुत अच्छे साइंस मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आपके ऊपर है, हो सकता है कि आपके एक्स और ये न्यू पर्सन दोनों ही आपको प्रपोज कर दें, तो ये आपके ऊपर है कि आप किन्हें चांस दोगे। पुराने वाले रिलेशनशिप में आप बहुत हर्ट हुए हो तो अब वापस वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा सहा है पुराने रिलेशनशिप में, जो यहाँ दिख रहा है, जो मुझे यहाँ वाइब्स मिल रही है, अब वो दोबारा वो सब नहीं चाहिए, दोबारा वो सब झगड़े नहीं चाहिए आप ये सोच रहे हो, और अब नए रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, जो मुझे यहाँ वाइब्रेशंस मिल रही है। लेकिन जो आपके न्यू फ्रेंड हैं या आने वाले हैं, अगर अब तक नहीं आए हैं आपकी लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड होंगे, बिल्कुल सच्चा प्यार करने वाले होंगे आपको, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी उनके मन में आपके लिए, और हो सकता है आपकी लाइफ में आ गए हो, आपको अभी नहीं पता चला हो क्योंकि आपने सिर्फ उन्हें एज अ फ्रेंड ही लिया हो, आपने नहीं सोचा हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अभी तक उन्होंने भी आपको प्रपोज नहीं किया हो, सोच रहे हो कि कैसे करें, कोई अच्छा मौका मिलेगा तब प्रपोज करेंगे। और जो ये न्यू पर्सन है उनको ये भी लग रहा होगा कि शायद आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना हो, ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा डिले कर रहे हैं अभी प्रपोज करने में, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और ना हो, कोई पहले से आपका कोई फ्रेंड या लवर ना हो आपकी लाइफ में, उनको ये भी डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो क्योंकि आपकी लाइफ में पहले से ही कोई है, तो इस वजह से वो इसीलिए डिले कर रहे हैं प्रपोज करने में, लेकिन बहुत जल्दी प्रपोज करने वाले हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर है कि आपने किसे सिलेक्ट करना है, हो सकता है आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहे, आपको कांटेक्ट करे, आप अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है अनब्लॉक कर दिया होगा अब तक, और अगर अनब्लॉक कर दिया है तो इसका मतलब यही है कि बहुत जल्दी आपके पास फ़ोन आने वाला है या किसी के थ्रू आपसे बात करेंगे और दोबारा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो 100% चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। और इधर जो ये न्यू पर्सन आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये भी वही फीलिंग लेके आए हैं आपकी लाइफ में, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, लेकिन इनकी यही थिंकिंग है कि कहीं आपकी लाइफ में पहले से कोई और तो नहीं है, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट कर दो क्योंकि आप किसी और को लाइक करते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किसे सिलेक्ट करना है अगर दोनों ही आपको प्रपोज करते हैं, अगर न्यू फ्रेंड आपको प्रपोज करते हैं और
एट द सेम टाइम ओल्ड फ्रेंड वो भी आपको प्रपोज करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा सिलेक्ट करना कि किसे चांस दिया जाए। ओल्ड फ्रेंड जो आपके एक्स हैं उन्होंने बहुत हर्ट किया है, यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी गलतियाँ की हैं उन्होंने, और किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा भी है, छोड़ के गए थे, अब वापस आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन अब की बार इनके मन में यही है कि छोड़ेंगे नहीं, अब दोबारा अपनी आपकी लाइफ में आएंगे तो छोड़ कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल सेटल होना चाहते हैं आपके साथ। और लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ये भी बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, सच्चा प्यार है आपके लिए इनके दिल में, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपको आपके पास दोनों ही ऑप्शन है कि आप एक्स के साथ जाना चाहोगे या आपके लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड आ गए हैं वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, आप उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगे, आप कंफ्यूज हो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जाप करते रहिए, जो भी आपके लिए अच्छा होगा वही उसी के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, और जो अच्छा नहीं होगा कुछ ना कुछ उसकी कमियां आपको दिख जाएंगी। और हर मंडे आपने क्या करना है, हर मंडे को शिवजी और पार्वती जी की पूजा ज़रूर करें, आपका बहुत अच्छा जिससे भी शादी होगी बहुत अच्छा मिलेगा आपको लाइफ पार्टनर, और जो आपके लिए ठीक नहीं है वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर करिए, और बहुत ही अच्छे साइंस मिल रहे हैं यहाँ पे, जो लोग अब तक सिंगल रह के परेशान हो गए थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, ये गुड न्यूज़ है कि लाइफ में कोई आने वाला है, किसी की एंट्री होने वाली है बहुत जल्दी। और अगर आपके मन में ये था कि आपके जो एक्स थे उन्होंने आपको छोड़ दिया और माफ़ी तक नहीं मांगी, तो वो भी सब दूर हो जाएगा, अब माफ़ी मांगेंगे बहुत जल्दी वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, और आपकी लाइफ में न्यू फ्रेंड की भी एंट्री होने वाली है या हो चुकी है, आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री होने वाली है, तो बिल्कुल भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम तक अब आपको सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, और जो मैंने उपाय बताए वो करते रहिए, आपको सही लाइफ पार्टनर चूज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।